देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें माय एजुकेशनल वीडियो और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले मिले देश और दुनिया की एक्सक्लूसिव खबरें। मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप मामले में जारी SIT की जांच के बीच एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक नेता के करीबी के जारी हुए वीडियो ने सियासत में हलचल मचा दी है। वहीं SIT पांचों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। राज्य के हनी ट्रैप मामले में SIT अब भोपाल इंदौर से बाहर इस गिरोह से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है। जहां पकड़ी गई महिलाओं को इंदौर से भोपाल लाया गया, वहीं इनमें से एक महिला को सागर ले जाया गया। उस महिला को फार्म हाउस पर ले जाकर पूछताछ की गई, जहां उसका आना जाना था। एक तरफ जहां SIT की जांच आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर दो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो पूर्व मुख्यमंत्री का है तो अन्य हिंदूवादी संगठन के नेता के करीबी का बताया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री के एक काफी कम उम्र की युवती के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञात हो कि इंदौर पुलिस ने ATS की मदद से पिछले दिनों हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा किया था। इस मामले में 5 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई। SIT बनने के साथ ही विवादों में आ गई, क्योंकि SIT प्रमुख को कुछ घंटों में ही बदल दिया गया था। इतना ही नहीं, साइबर सेल द्वारा गाजियाबाद में कार्यालय के लिए किराए का मकान लिए जाने के मामले में वर्तमान पुलिस महानिदेशक VK सिंह और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के बीच बन गई थी। हनी ट्रैप की जांच करने में लगी SIT के सूत्रों का दावा है कि अब तक जो वीडियो कॉल डिटेल आदि सामने आए हैं, वह राज्य के नेता नौकरशाह और अन्य के गठजोड़ का खुलासा करने वाले हैं। जांच के आगे बढ़ने पर कई बड़े राज खुल सकते हैं।